मद्रासन को कन्विंस करना पड़ेगा कि आदि के लिए बाला से बेटर टीचर नहीं है। और ये झांसी की रानी को झांसा दे कैसे? अरे सुन, ये एक डब्बा यहाँ रख दे और दूसरा डब्बा जो है वो अम्मा के घर पे दिया। जा। वाह पुत्र, तो ये वाले आम कहाँ से ले आया? बाबा, ये A1 क्वालिटी मुंबई के आफूस आम है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है बहुत टेस्टी होते हैं ये आम। बाबा, स्वाद में ना इन आमों का कोई मुकाबला नहीं। इतने सारे आम बहुत महंगे होंगे ना? केशिता, जब टेस्ट की बात आती है तो टेस्ट पे प्राइस टैग थोड़ी ना लगता है। वैसे ये आम है ना बाबा, मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, है ना? देखो, बहुत खट्टा है और शक्कर डाल। नहीं अंका, आम का स्वाद खराब हो जाएगा। अरे यार, या आजकल आम मीठे ही नहीं निकलते हैं। आपको याद है अप्पा जब वहां मुंबई से हापुस आम लाते थे, मुंह में घुल जाते थे बस। हाँ, सारे तेरे मुंह में ही घुलते थे, हमें तो कुछ मिलता भी नहीं था। नहीं, आजकल तो मुझे भी नहीं मिलता है, कितने महंगे हो गए हापुस। स्वेयर, नेक्स्ट टाइम तो लोन लेना पड़ेगा। वैसे आप लोग आम एंजॉय कीजिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। नीलू, सारे आम उठा के फ्रिज में रखो। आज तुम्हारी छुट्टी है ना? है तो। रूही भी नहीं है तो तुम बहुत बोर हो रही होगी ना? ऐसा नहीं है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कॉफी पी के आए। बुखार तो नहीं है? तो ऐसी बहकी बहकी बातें। अरे बहकी बहकी क्या, तुमने तो कहा था ना कि हमें दोस्तों की तरह कॉफी पीनी चाहिए। मैंने सोचा आज तुम फ्री हो, मैं फ्री हूँ, तो व्हाई नॉट। और वैसे भी लड़कियों को कॉफी और शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है। तुम सोच के बताओ, मैं फ्रेश हो गया था। माजरा क्या है? अजी, रावण कुमार के पीछे श्री राम का म्यूजिक। बल्कि रामन तो मुझसे कह रहा था कि मैं आज से ही आदित्य को पढ़ाना शुरू कर दूं। फिर उसे ऐसा लगा कि जो कुछ भी शगुन ने तुम्हारे साथ किया है उसके कारण तुम हाँ नहीं कहोगे। जीजू, आपने रमन को बताया क्या कि मैंने वो आदित्य को ट्यूशन पढ़ाने के लिए हाँ बोल दिया है? आपको लगा ही था मुझे। अभी आप ना कुछ मत बोलना रमन से, ठीक है? आप पढ़ाओ ट्यूशन, बट उन्हें मत बताना, ओके? क्या बात है, मतलब पहले मैंगो, फिर कॉफी, फिर शॉपिंग, मतलब मेरे हाँ की कीमत लगाई जा रही है। बेटे, ऐसे मौके बस कम आते हैं, तो हम भी मजे लेंगे अब। अरे तुम तैयार नहीं हुई? जाना नहीं है? नहीं। फिर ड्राइव पे चलते हैं? नहीं। तो फिर? फिर क्या? इतना मक्खन क्यों मार रहे हो? किस खुशी में? अरे खुशी की बात थोड़ी है, तुम इस घर की बहू हो, इस घर के लिए इतना कुछ करती हो, रूही की माँ हो। वो सब तो मैं बहुत पहले से हूँ। आज क्या स्पेशल है? स्पेशल कुछ नहीं है, मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें आज पैम्पर किया जाए ना, बहुत मेहनत करती हो। सो स्वीट। मुझे पैम्पर? आप इतना सोचते हो मेरे लिए? मतलब आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ कुछ भी। मुंह तो देखो, मन है नहीं बस बोल देते हैं। फेस पे मत जाओ, ये फेस ऐसा है, भावनाओं को समझो। तुम बोल के तो देखो। कुछ भी? हाँ कुछ भी। पक्का? लिखवा लो। ओके ओके, तो फिर क्या करवाऊँ आपसे? सो स्वीट हम। अगले 24 घंटे के लिए आप ईशिता बन के रहोगे। साड़ी पहन के लेक्चर दूंगा मैं, नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, आप उसमें ब्यूटीफुल भी नहीं लगेंगे मेरे जैसे। ब्यूटीफुल? या ब्यूटीफुल ना? वेरी। हाँ। बता नहीं सकता कितने। तो ईशिता की तरह एक्चुअली आपको क्या करना होगा, आई विल टेल यू।
अगले 24 घंटे के लिए आपको गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ नहीं करनी है, बुरी तरह से किसी से बात नहीं करना है, किसी भी बात पे आपको ना नहीं कहना है, एंड सबसे अच्छी तरह से बहुत स्वीटली बिहेव करना है। क्या ओके? देखो ना स्माइल कितनी फेक है। इस पे मत जाओ, बोला ना भावना को समझो, फेस ऐसा ही है। ग्रेट, तो अब आप मान तो गई हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए, अगर आप पासिंग मार्क्स ले आए, तो फिर ये प्रिंसिपल ईशिता अपने प्रोफेसर बाला जीजू से कहेगी कि आपके स्टूडेंट आदित्य को पढ़ाई करवा दे। आई मीन अभी तक तो मना किया हुआ है, लेकिन एंड रिजल्ट आप पे डिपेंड करता है, चॉइस आपकी है। यानी कि तुम्हें पता था? ऑब्वियसली। देखो ये बातों में आप टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ बोल। माइनस मार्किंग। हाँ बोलिए। अच्छा लग रहा है आज, रावण कुमार श्री राम। नहीं नहीं, अब कुआं खोदा है, गिरना तो पड़ेगा ही। अरे नहीं यार, यही प्रॉब्लम है पापा हमारी टीम की यार। पुत्र मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, देख अब मजा आएगा। अरे पापा, सदा पंजाब दा शेर, दिल्ली दा पुत्र विराट कोहली आया बैटिंग पे, इतने तो छक्का मारा ही मारा पापा। मैच में भी दिल्ली पंजाबी, मैच ना हुआ वॉर हो गया। ओए सिक्स मारा पापा, मैंने कहा ना आपसे, क्या शॉट है, मजा आ गया। कितने दिनों के बाद बाप बेटे ऐसे सुकून से बैठ के मैच देख रहे हैं, काश हमारे घर का माहौल हमेशा ऐसा बना रहे। जीतेंगे, अब जीत जाएंगे। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू। और थैंक यू कादा, वो पकौड़े खाने के लिए अच्छे लगे ना? वो कहाँ से अच्छे लगे, अभी तो मैंने चखे भी नहीं। तू भी ना छोड़ती रहती इशिता, चल पागल, लतीफा ही है। ले वही सिमी, पकौड़े खा, गर्म गर्म पकौड़े। भाभी ये खुल नहीं रहा है, आप जरा खोल देंगे? मैं भैया से खुलवा लो। मैच के बीच में भैया गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे भैया, जाओ उनसे खुलवाओ, ठीक है? भाग भाग भाग, यही है, मूड खराब कर दिया उन्होंने। ये जीते जीते हारने को हमारी टीम से सीखे। अरे यार शेफ, लास्ट में आके भैया क्या है ये, जरा खोल देंगे आप? अरे मैं मैच देखा, किसी और से खुलवा ले, देख नहीं रहा। देखो रमन, कुछ बोला क्या आपने? मैं नहीं नहीं, मैंने कहा कि मैच आते जाते रहती है, डब्बा घर के काम इंपॉर्टेंट है, नील दीदी लाओ डब्बा लाओ, मैं खोल देता हूँ ना इसका। मैच का क्या, रुक जाएंगे ये लोग, लो और कुछ काम है तो वो भी कर देता हूँ। ओए मेरा हैप्पी तो आज बड़ा हैप्पी है। भाभी एक मिनट एक मिनट, चक्कर, अरे संभालो अपने आपको। भाभी लगता है भैया को कोई भूत भूत आ गया, उन्होंने गुस्सा नहीं किया। कुछ नहीं हुआ भैया को, तुम जाओ जाके नींबू पानी पियो, भैया ठीक है, जाओ संभालो। दीदी ये सिमी, तुम्हारा फोन बज रहा है। अच्छा मैं उठा लेती हूँ, किसी सुजाता का आ रहा है, बोल देती हूँ कि तुम बिजी हो। लाओ मुझे दो। वो सुजाता बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। इशिता सुनो, और कितनी देर ये सब चलेगा नाटक? करेंगे डिसाइड, मैं अम्मा के पास से आती हूँ फिर बताऊंगी। ये अम्मा को लेके गांव क्यों नहीं चली जाती? वन वे टिकट मैं खरीद के देता हूँ। पापा मैं आता हूँ जरा रूम में जाके।